नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या एक राज बन चुकी है, जिसे पुलिस सुलझाने के लिए जी जान से जुटी हुई है और कुछ करीबियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ जारी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसी मामले में विपक्ष को भी सवाल खड़े करने का एक बेहतर अवसर मिल गया है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज के बागम्बरी मठ पहुंची सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने जहां महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराजे हकीकत पेश की, तो मीडिया से बात करते हुए महंत की मौत के मामले पर सीबीआई द्वारा हो रही जांच पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। जूही सिंह ने कहा कि सीबीआई को जो कहा गया है उसी बिंदु पर जांच करेगी। अगर हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा अगर जांच कराई जाती तो सीबीआई के मुकाबले वो कई पहलुओं से जांच करते, जिससे जांच सही तरीके से हो पाती। साथ ही उन्होंने कहा, अगर सीबीआई समय पर जांच नहीं करेगी तो हमारी कार्यकारिणी व पार्टी के लोग जज द्वारा जांच की मांग करेंगे। सभा का ये हमला काफी दूर से छोड़ा हुआ तीर है। अब देखते हैं इसका असर लोगों की मानसिकता बदलने का काम करता है या नहीं। आने का उद्देश्य आप यहाँ मठ पर आई? हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका सब हम लोग सम्मान करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ आए और तब भी हमने मांग की थी कि जो प्रश्न उठे हैं उनका खुलासा और विस्तृत जांच होनी ज़रूरी है, पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से। सीबीआई जांच कर रही है, आपको क्या लगता है? इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। सीबीआई एक फोकस जांच करती है, बहुत सारे और अहम बिंदु हैं इस हादसे को लेकर के जिससे जनता स्तब्ध है, तो मुझे आशा है कि सरकार पूरी तरह से खुलासा करेगी और सभी पहलुओं की जांच कराएगी। सीबीआई जांच पर आपको विश्वास है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, आज तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और वहीं तक सीमित रहेंगे। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।